हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, और ये रीडिंग व्यूअर्स पूरी तरह से आपके बारे में रहने वाली है। ओके, हम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपके बारे में ज्यादा बातें करेंगे आज। ओके, तो जो भी हम आज रीडिंग करेंगे आपके लिए मैसेजेस लेंगे, चाहे वो आपके पास्ट के बारे में आए, आपके फ्यूचर के लिए कोई प्रेडिक्शन आए, या आपके लिए कोई गाइडेंस आए, ठीक है, या आपकी करंट सिचुएशन को लेकर कोई मैसेज मिले, तो हम आपको लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच करे या हो सकता है ना करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि आपके पर्सन और लोग क्या कहते हैं, ये वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सब हमने बहुत देखा और बहुत किया भी है और करते भी रहेंगे। ओके, उसमें भी इंटरेस्ट आता है, उसमें भी जानने का मन करता है, लेकिन आज हम ये ट्राई करेंगे कि आज हम आपके बारे में सब कुछ मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। तो ये सिर्फ आपके बारे में है तो इसमें आपके पर्सन की या ज़्यादा किसी और की, आपके फ्रेंड्स की, आपके दूसरी चीज़ों की बात नहीं होगी, आपकी लाइफ को लेकर ज़्यादा बातें होंगी। ओके, बाकी हम देखते हैं जो भी मैसेजेस आते हैं आगे, अगर आपकी लव लाइफ के लिए आएंगे तो वो भी देखेंगे मैसेजेस। ओके, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है अभी, मैं सिर्फ आपको लेकर एक रीडिंग कर रही हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे, हो सकता है एक्यूरेटली करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी जोडियक साइंस के लिए है ये रीडिंग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ना, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कभी भी पहुंचे हों। और व्यूअर्स, एक और जरूरी सूचना जो बताना बहुत जरूरी है, चाहे थोड़ा समय व्यर्थ क्यों ना हो जाए, व्यर्थ तो नहीं है लेकिन ये व्यूअर्स, मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के आप लोगों को कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है, तो ऐसे फ्रॉड और स्कैमर्स का विश्वास ना करें, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड आते हैं। ठीक है, सब पॉजिटिव रहेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके चलिए, ओके ओके, आई थिंक दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहला ही कार्ड जो हमारे पास व्यूअर्स आया है वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है स्टार्टिंग में। लेट्स सी अबाउट योर लाइफ, मोर अबाउट योर लाइफ, मोर अबाउट योर लाइफ फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय व्यूअर्स। हैंग्ड मैन, ओके ओके, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ डेक इज नाइन ऑफ वैंस। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को भी क्लेरिफाई भी करूंगी। ओके, इस डेक से क्लेरिफाई करेंगे हम। चलिए देखते हैं। नो, दो कार्ड नहीं, आई विल टेक वन बाय वन। सन का कार्ड आया है, ब्यूटिफुल। सेवन ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। स्टार्टिंग में भी पहला कार्ड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स था, और एंड में भी जो कार्ड आया है दूसरी डेक से क्लेरिफाई करने पर वो सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर दो बार आया है व्यूअर्स। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्यूअर्स, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ के लिए यहां पर क्या मैसेजेस हैं। व्यूअर्स, पहली बात तो मुझे लग रही है कि आपके जीवन में आपने धोखे बहुत खाए हैं,
बहुत ही स्टार्टिंग से ऐसा हो गया होगा कि लोगों ने छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे झूठ बोलना, बातें छिपाना स्टार्ट कर दिया होगा, और आगे जाकर भी धीरे धीरे आपने अपनी जर्नी में यही देखा है कि आपको अलग अलग लोग मिले, अलग अलग समय पर आपके फ्रेंड्स बने, लेकिन सबने आपको कभी ना कभी डिच किया है। इफ नॉट ऑल तो ज्यादातर लोगों ने आपको डिच किया है, बिट्रे किया है, आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, कुछ बोल के कुछ और किया है, आपके फेस पर कुछ और बन के रियलिटी में कोई और इंटेंशन रखा है। तो यहाँ पर आप हर्ट भी बहुत हुए हैं और आपने धोखे भी बहुत खाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों पे विश्वास करते रहे इनोसेंस के साथ, लेकिन लोगों ने आपको चीट बहुत किया है, यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये चीटिंग ऐसी भी है कि लव लाइफ में भी चीटिंग हुई है। आपने किसी से प्यार किया, किसी पर भरोसा किया, हो सकता है उस पर्सन ने भी आपको एट द एंड चीट किया हो, ये हो सकता है। ओके, तो प्यार में भी आपको धोखा मिला हो सकता है, दोस्ती में भी, रिश्तेदारों ने भी अगर आपके साथ कुछ अनफेयर किया है, इनजस्टिस किया है, या स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं पर भी आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो समवेयर लगता है कि आप लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन लोग आपको धोखा दे देते हैं। आपके साथ अक्सर ये होता है, क्योंकि ये कार्ड दो बार आया है, तो ये एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है कि आपके इमोशंस का या इनोसेंस का फायदा बहुत उठाया जाता है, अपना मतलब पूरा करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। यस व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम रही है, या आगे भी महसूस होती है, आज भी महसूस होती है कि आप बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हो, या बहुत सोच समझकर स्टेप लेना चाहते हो। यानी कि बार बार धोखे खाने के बाद आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अब मैं जो भी एक्शन लूंगा, मैं जो भी चीज करूंगी या करूंगा, मैं बहुत सोच समझ के करूंगा, मैं बहुत जांच परख के करूंगा। यू नो, हमारी तरफ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि जिसने एक बार गर्म दूध ग्लास में उसके हाथ में था, उसने गर्म दूध बिना कुछ सोचे जल्दी से एक सिप ले लिया और उसकी जीभ जल गई। ठीक है, उसकी जीभ जल गई, तो वो अगली बार आप उसको छाछ भी देंगे ना ठंडी, तो भी वो एक बार फूंक मार के चेक करेगा जरूर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, कि कहीं मेरे साथ फिर वैसा ना हो जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यहाँ पर आप भी व्यूअर्स बहुत सोच समझ कर एक्शंस लेते हैं और बहुत सोच समझ कर चीजें करना चाहते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि 70% ऐसा ही होता है कि फिर भी कोई ना कोई आपको चीट कर देता है या आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। चाहे आप कितनी भी प्लानिंग करें, कितना भी सिचुएशन को एनालाइज करें, कितना भी समझने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि आप कैलकुलेटिव बहुत है, बहुत सोच समझ कर चीजें करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम समय पर ऐसा होता है कि वो आपके फेवर में ही जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कंफ्यूज भी बहुत रहे हैं, या अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी समझना चाहते हैं, आप लाइफ का मीनिंग भी समझना चाहते हैं, आप हर बात का मीनिंग और रीजन जानना चाहते हैं, और जब आपको क्लैरिटी नहीं आती तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूजन में स्टक भी हो जाते होंगे कि अगर अब मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर थोड़ा थम जाती हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, you know? तो आप बहुत ऐसा होता है कि आप काफी समय तक कंफ्यूज रहते हैं, या एक ही सिचुएशन में स्टक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको सिचुएशन क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि अभी सारी बातें समझ में नहीं आई हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा भी होता होगा कि काफी बार किसी सिचुएशन में फंस जाते होगे, स्टक हो जाते होगे, और काफी समय तक स्टक रहते होगे, तो कंफ्यूज आप बहुत होते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट समवेयर व्यूअर्स, आपका भाग्य बहुत साथ देता है, चाहे लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, या चाहे आप यू नो कंफ्यूज हो जाएं काफी बातों को लेकर, अगर चीजें आपके लिए क्लियर नहीं है तो, लेकिन जो आपका यू नो फॉर्च्यून है, यानी आपका भाग्य जो है, आपकी किस्मत जो है, वो आपके फेवर में बहुत है। यहाँ सन का कार्ड है, ऐसा लगता है जैसे व्यूअर्स कोई कितना भी आपको हराने की कोशिश करेगा, वो हमेशा यू नो जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, गड्ढा खोदेगा, वो खुद उसमें गिरेगा। तो वही आपके लिए है कि आपको जो सताने की कोशिश करेगा, आपका फायदा उठाने की कोशिश जो करेगा, वो कितना भी ट्राई कर ले, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा,
और यहाँ पर आपका भाग्य ऐसा है कि आपको कोई कितना भी चीट करे, कितना भी धोखा दे या सताए, फिर भी आप आगे जरूर बढ़ोगे। हर कठिनाई को पार करके, हर चैलेंज को फेस करके, हर हर्डल को क्रॉस करके, हर ऑब्स्टेकल को रिमूव करके आप आगे जरूर बढ़ोगे। आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, हैप्पीनेस भी है, यू नो बहुत अबंडेंस भी है, खुशियां हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी जर्नी थोड़ी सी अप एंड डाउन है, यानी कि यू नो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में बहुत आएंगे, या मैं कहूँ एडवेंचरस जर्नी है। आपकी जो लाइफ है वो एडवेंचरस रहेगी, लेकिन फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ यू नो विजडम रहेगी, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूअर्स लोग आपसे जेलस भी बहुत है, ऐसा लगता है कि आप जिस पोजिशन पर पहुँच रहे हैं या पहुँच गए हैं, या जिस जोन में या जिस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखना चाहते हैं, वहाँ लोग आपको सताने की, इरिटेट करने की या इंटरफेयर करने की कोशिश बहुत करते हैं, आपको पोक करने की, प्रवोक करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अवॉइड भी करते हो, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों को बहुत अवॉइड करते हो, दूरी बना लेते हो, बट स्टिल ऐसा लगता है कि कोई आपके पर्सनल प्राइवेट जोन को बार बार इन्वेड करने की कोशिश करता है, आपके सीक्रेट्स निकालने की, यू नो आपके बारे में गॉसिप करना और आपकी बातों को निकालना, चाहे किसी और से पूछकर आपके बारे में पता लग रहा हो लेकिन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। तो लोग बहुत जेलस भी हैं, बहुत कंपेटिटिव फील करते हैं आपसे, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की एनर्जी से दूर रहना चाहते हो, ऐसे लोगों की ना आपको फ्रेंडशिप चाहिए, ना ऐसे लोगों की आपको दुश्मनी चाहिए। ओके, ना आप मेरे दुश्मन, ना आप मेरे दोस्त, मुझे आपसे कुछ रखना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा लगता है कि कोई आपको आपकी यू नो मेंटल पीस से आपको शेक करने की कोशिश करता है कि आप वहां से यू नो डगमगा जाएं, आप डिसबैलेंस हो जाएं, आपका जो मेंटल पीस है वो भंग हो जाए। या आप अगर एक फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन पर हैं तो लोग प्रयास करते हैं कि आपको लॉस हो, या वहां पर से यू नो उस सिचुएशन से आप डिसबैलेंस हो जाओ, उतनी स्टेबिलिटी ना रहे, अनस्टेबल हो जाओ। ये जिस लाइफ में जिस भी तरीके का कंफर्ट या पोजीशन आपको मिली है, वहां से लोग आपको गिराना चाहते हैं। ओके, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप आपका जो माइंडसेट है वो इतना तो स्ट्रांग है कि आप इन लोगों से दूर रहते हो। अगर इन लोगों से उलझते भी नहीं हो तो आप दूर रहते हो। यस, क्योंकि अगेन अगर ये लोग आपके प्राइवेट जोन में आएंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, कोई अपना दुख दिखाएगा, कोई अपना प्यार दिखाएगा, आप इमोशनल हो जाओगे, लोगों के दुख को देख के आपके अंदर दया आ जाएगी, फिर वो आपका इमोशनली यूज करेंगे, और फिर अगर आप उन पर ट्रस्ट करोगे और बाद में अगर वो आपका भरोसा तोड़ेंगे, फिर ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा कि आपके साथ धोखे होते रहते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं। तो ये आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इसीलिए आप काफी लोगों से दूर भागते हो। ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल आपको पसंद नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा यू नो ओपन अप नहीं होते हो हर किसी के आगे, क्योंकि सिचुएशंस आपके साथ पहले ऐसी हो चुकी हैं जहां से आपने सीख ली है। ओके, आगे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है व्यूअर्स। यहां पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं अपने आप से सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी आपने खुद को अकेले रखना सीख लिया है, या यू नो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आपको खुश रहने के लिए, आप अपने आप में खुश रहना सीख गए हैं, या सीख जाएंगे, या सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप सेल्फ लव करेंगे, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंप्लीट फील करेंगे, आपको कभी जरूरत नहीं होगी कि कोई आएगा और मुझे पूरा करेगा, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हैं। ओके, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट, ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होंगे, और अपनी लाइफ को अपनी ही शर्तों पर जिएंगे आगे जाकर भी। ठीक है, तो चाहे एक ये फैक्टर जरूर है कि लोग आपको बिट्रे करते हैं, चीट करते हैं, और उस वजह से भी आप थोड़ा सोच सोच कर एक्शंस लेते हैं, लेकिन आपकी जो किस्मत है, आपके जो कर्मा है, वो दोनों ही अच्छे हैं। आपका भाग्य भी अच्छा है और आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो उसका रिटर्न, उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप एक यू नो ऐसे पर्सन हैं जो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, यानी कि अगर आपने किसी से वादा किया है, किसी को अपनी जबान दी है, तो आप अपनी बात से मुकरते नहीं है, ना आप अपना कमिटमेंट तोड़ते, ना अपना प्रॉमिस तोड़ते। तो कहीं ना कहीं आप भविष्य में इस बात के लिए जाने जाओगे कि आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, आपने अगर वचन दिया है, कोई बात कही है, तो उससे मुकर नहीं जाओगे, इस बात के लिए आप जाने जाओगे। यानी कि कोई भी जब भी आपके बारे में बात करेगा, वो हमेशा ये जरूर बोलेगा कि नहीं, वो पर्सन अपनी बात से मुकर नहीं सकता, उसकी गारंटी हम लेते हैं कि वो बात से पलटेगा नहीं, वो अपना वादा तोड़ेगा नहीं। तो आपकी गारंटी लोग ले पाएंगे
आपके प्रॉमिस का इतना यू नो वैल्यू होगा, ऐसा लगता है यहाँ पे। ओके तो आप भरोसेमंद व्यक्ति हैं, ये बात दुनिया जानेगी। ओके यू विल बी यू नो you will get a lot of appreciation for that and you will get a lot of respect for that। यानी इस कारण की वजह से आपको सम्मान और अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये आपके कैरेक्टर को हाईलाइट करेगा सोसाइटी में, ऐसा लगता है। लेकिन चीटर्स से आपका पाला बहुत पड़ेगा आए दिन, और आप ये मत पूछिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके क्योंकि ये होगा, आपको चीटर्स मिलेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, एनी अदर वे पॉसिबल है, ठीक है। यस व्यूअर्स, आपका साइन कोई भी हो सकता है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है। ओके यस ऐसा लगता है। तो व्यूअर्स, सन के कार्ड से तो पता लगता है कि अबंडेंस और खुशियां ये सब बहुत है आपकी लाइफ में। ये भी व्यूअर्स नजर आता है कि आप एक ऑब्जर्वर हैं, यानी कि अगर चार लोग बात कर रहे हैं तो उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट कम देंगे और उस सिचुएशन को अब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे, यानी कि उस सिचुएशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कैसे ये लोग बात कर रहे हैं, किस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, क्या इनके विचार हैं, क्या इनके हाव भाव हैं, किस तरह से विचार व्यक्त करते हैं, ये आप ऑब्जर्व कर लेंगे सब। तो ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन हैं जो ग्रुप में भी बैठे हैं तो आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपके साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, अगर गलत बिहेव कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बोल नहीं रहे, उनको शिकायतें नहीं कर रहे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं आप हर बात को लेकर, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी चीज को लेकर आपको डर है, जिस भी चीज को लेकर आपके मन में डर है कि आप ये नहीं कर पाएंगे या वो आपसे नहीं होगा या यही चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो पहली बात आप अपना डर खत्म कीजिए। चाहे भविष्य को लेकर कोई डर है, करियर को लेकर कोई डर है या कोई भी बात है, पहले आप अपना डर खत्म कीजिए। यहाँ पर आपका जो डर है वो ऐसा लगता है कि रियल नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। आप दिमाग में सोचते रहते हैं कि आपको डर है इस चीज़ से, आपको डर है उस चीज़ से, लेकिन अगर कभी वो सामने चीज़ आप फेस करने आए ना तो आप आसानी से उसे फेस कर लेंगे और ये बोलेंगे कि मेरे मन में तो ये था कि मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। तो आप अपना डर खत्म कर दीजिए और ट्रैक डाउन योर डिजायर्स ऑल्सो, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना या यू नो ऐसा सोचना जैसे मुझे ये मिल जाए, मेरे पास ये हो वो हो, यू नो एक मैनिफेस्टेशन करना अलग है, एक प्रे करना अलग है, लेकिन एक ख्याली पुलाव बनाना या यू नो इतना एक्सपेक्ट करना यू नो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको डिसअपॉइंट भी कर सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके यस ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस। व्यूअर्स, आपको डिवाइन पर भरोसा रखना है, अपने एंसेस्टर्स पर भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। फेथ आपका कायम रहना चाहिए, आप फेथ मत लूज कीजिए और होप मत लूज कीजिए, ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है डायरेक्शन गार्जियन का, यानी कि दिशा आपकी, चूज योर पाथ, यानी कि आपको व्यूअर्स लाइफ में अपना पाथ चूज करना होगा। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, ओके कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहां पर आपको अपनी डायरेक्शन चूज करनी होगी कि आपको इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, इस ट्रैक पर चलना है या उस ट्रैक पर चलना है। तो आपको सही पाथ चूज करना है अपने लिए, ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्शन गार्जियन जो है वो आपको गाइड भी करेंगे, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कि आपको किस रास्ते पर चलना है। आप सही रास्ते पर चलेंगे जरूर व्यूअर्स, क्योंकि तभी यहाँ पर आपको इतनी हैप्पीनेस और सक्सेस मिल रही है, ये दिख रहा है।
यस, डायरेक्शन गार्जियन, ब्यूटिफुल। मैं एक डिवाइन मैसेज लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ओके, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। क्या बताना चाहते हैं भगवान आपको, आइए देखते हैं। ओडन, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। पहली बात तो व्यूअर्स ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, यानी कि आपकी इंट्यूशन आपको अगर कुछ गाइड करती है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, ये सोच के कि अरे मेरे दिमाग में तो कोई भी विचार आता है, ये सोचकर अपनी इंट्यूशन को आप इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, आपके ड्रीम्स में ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो थोड़ा वियर्ड है, या आपने पहले ही सोचा था और बाद में आपके साथ हो गया, तो आप ध्यान दीजिए इन चीजों पर। ठीक है, बिकॉज योर थर्ड आई इज ओपन का मतलब ये है कि जो थर्ड आई यहाँ पर चक्रा जो होता है यहाँ पर, आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये आपका सबका ओपन है, बात ये है योर थर्ड आई इज ओपन मीन्स कि यहाँ पर बहुत स्कोप है, आप मेडिटेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपने चक्रास को, और आपकी इंट्यूशन इससे और शार्प हो जाएगी। ओके, साथ ही साथ सी द ट्रूथ फॉर वॉट इट इज, ये है मेन मैसेज, यानी कि अगर आप ये देख पाते हैं कि सच क्या है गलत क्या है, यानी कि सही क्या है झूठ क्या है, सही क्या है गलत क्या है, सच क्या है झूठ क्या है, इसमें फर्क कर पाते हैं बिना किसी पक्षपात के, क्लैरिटी आपको आती है। जैसे कहा ना कि आप कंफ्यूज रहते हैं या समझने में टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि आप गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, इसीलिए आप स्टक हो जाते हैं कई बार। तो यहां पर व्यूअर्स आपकी इंट्यूशन बहुत ही आपको गाइड कर सकती है इन चीजों के लिए, और आप अपने चक्रास को अगर बैलेंस रखेंगे, मेनली थर्ड आई, तो बहुत, अगर आप इसको बैलेंस रखेंगे तो आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी जैसा है उसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे बिना किसी सिचुएशन में स्टक हुए, बिना कंफ्यूज हुए। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। ओके, इस रीडिंग ने अगर आपको गाइड किया है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा व्यूअर्स, और आपका कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।